हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम दोबारा खेलने वाले हैं पोकेमोन द लास्ट फायर रेड। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा कि हमको अपने 3 शास्त्र पोकेमोन मिल चुके थे और हमने विरुद्धिन फॉरेस्ट भी पार कर लिया था, और आज का एपिसोड हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। चलो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं, पर आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नहीं है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पर मैंने अपने पोकेमोन हील करा लिया, और क्योंकि हमारे ना सामने फाइट होने वाली है, मैं करी है, ये देखो इनकी बातचीत चल रही है, इसको पोकेमोन ध्यान टिटाना है और इसने मेरे को देख लिया यार। ये वो पूछ रहे वाइट हेयर वाले बंदा जो मिला हमको, हमको मिला तो हमने बता दिया उसको, और हमसे चीत भी गए थे हम उससे, तो हमने पूरा बता दिया। और ये कहते मेरे को तुमसे फाइट करनी है, तो हम जल्दी से हराते हैं इसको। वो भी फायर टाइप पोकेमोन है तो मैं चेंज कर लेता हूँ। चलो सही है, बच गया मैं, ये वॉटर पल्स और ये ख़त्म। सेकेंड पोकेमोन कौन सा होगा इसका, देखो लेवल अप विमिलियन, ये वो बग टाइप पोकेमोन होता है, तो हाँ लग गया था मेरे को। और जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं यार, स्ट्रगल बग बिल्कुल डैमेज नहीं किया इतना हमको। एक और ये पोशन यूज़ कर लिया, पोशन मैंने क्यों यूज़ कर लेते हमारे पास, चलो अब ख़त्म हो जाएगी। चलो यार हमने इसको फाइनली अब हरा ही दिया मैं को, और यहाँ पर तारीख मैं होम रीजन से हूँ, और यहाँ पर ये प्रोफेसर ब्रिस्ट वैन कोई हैं, उन्होंने इसको बेचा है यहाँ पर रिसर्च करने के लिए, और इसने हमको कुछ दे दिया देन मैक्स, पता नहीं क्या नाम है यार। जल्दी से पोकेमोन हील करते हैं, हमारे सारे पोकेमोन ख़त्म हो गए थे, सॉरी बताइए। यहाँ बातचीत कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ पर हम आगे की ओर आ रहे थे, और हमको यहाँ पर ना वही मेडिकेशन गेम बनाई थी, तो हमारे यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत और किया। यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं, और ये इसने हमको पकड़ लिए, कहते हैं तो न्यू ट्रेनर तो जाकर ना जिम पे पहले फाइट करो। यहाँ पर हमारी फर्स्ट फाइट होने वाली है ब्रोक के साथ, और ये वही कह रहा है कि तुमको मैं पहले 3 चिलों को हराना पड़ेगा, उनको भी जल्दी से हराते हैं यार। यहाँ पर पोकेमोन हील करा के आ चुके हैं हम, जल्दी से यहाँ पर इससे फाइट करते हैं। यहाँ पर वही बता रही है मैं रॉक टाइप हूँ। चलो यहाँ पर हमारे पास ग्रास टाइप है, पर ओए जेड मूव यूज़ कर दिया इसने यार, बस ख़त्म ना हो हमारे पोकेमोन, बच गया कोई ना। इसकी भी हेल्थ बहुत कम हो गई है, मुझे पता था पोशन यूज़ करेगा, और अभी ये ख़त्म। यहाँ पर इसका नेक्स्ट पोकेमोन आ रहा है ट्रायरेंट, तो मैं अपना वो टाइप यूज़ करता हूँ, वाटर पल्स। चलो सही डैमेज गया, एक और लगेगा यार वाटर पल्स, इसने पोशन यूज़ कर लिया कोई ना यार। मेरे को अब वो डाउट हो रहा था, इसको शायद ओके ही हरा पाऊँ, क्योंकि यार मेरा जो मेन पोकेमोन था वो हार चुका है। यही चलो है, इसने हरा दिया फाइनली। और यहाँ पे इसका लास्ट पोकेमोन है रॉकरफ, ओ अच्छा डैमेज लग गया। और ये क्या यार, बस मेरे को इसी पे थोड़ा वो है, जल्दी से हरा जा। यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं, बस इसका लास्ट पोकेमोन है, और ये भी ख़त्म फाइनली। हम अभी इस बार जीत चुके हैं, 3 बारी हारे हैं, 3 बारी बिल्कुल ही ना। यहाँ पर हमको अपना आज बैच मिल चुका है, और फ्लैश मूव को हम यूज़ कर सकते हैं अब। और यहाँ पर हमारा पोकेमोन इवॉल्व हो रहा है वाइट वूफ, क्या नाम है इसका, वायर वेल, वाटर गन सीख रहा है, पहले सीख लेता है यार, पहले काम भी आता तू। चल कोई ना, सीख गया तो आगे भी काम आएगा अब तो इसका। और यहाँ पर इसने हमको टीम दिया है, जिसको हम बाद में पोकेमोन को सिखाएंगे रॉक जंप। हमारा वाला पोकेमोन सीख सकता है क्या, जो अभी इवॉल्व हुआ है, देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। यहाँ पर टीम केस रॉक जंप ना यार, सीख नहीं सकता यार। बाकी दोनों को मैंने को अभी सिखाने का मन नहीं है, मैं उसको सिखा सकता हूँ यार अपने, क्या नाम है, फ्रोकेयर को, क्योंकि ना वो टाइप है, सामने इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन आएगा, तो हम ना अपने रोग टाइप यूज़ करके ना उसको हरा सकते हैं। चल देखते हैं। और यहाँ पर तो ये ऐसे ना पोर्टल्स है, पोर्टल के अंदर ना लेजेंडरी पोकेमोन अभी हम जा नहीं सकते, हर इसमें ना हर सिटी में ना पोर्टल बने हुए, जितने टाउन होते हैं उधर ना कोई ना लेजेंडरी पोकेमोन होता ही है, तो हमको वो भी कैच करेंगे अपने। बाकी देखो एक और पोर्टल भी आ चुका है, और यहाँ पर ना पोकेमोन मिलता है, जल्दी उसको कैच करके देखते हैं। यहाँ पर वो पोकेमोन तो मिला नहीं, तो यार मैंने थोड़ी बहुत फाइट भी कर ली, मैं बहुत सारे ट्रेनर हैं, बहुत सारे यार, मेरी फाइट करके थक गया भाई मैं, ट्रेनर खत्म ही नहीं हो रहे थे, और इतने खतरनाक ट्रेनर थे ना, बार बार हम हार ही जा रहे थे उनके साथ, बिल्कुल ही ना। और ये पोकेमोन आया था बहुत खतरनाक पोकेमोन था, और यहाँ पर हमने फाइनली हमको वही पोकेमोन मिल चुका है, इसको हमको कैच करने, हमको आगे ना इसका बहुत काम आएगा, और यहाँ पर जितनी ज़्यादा पोकेमोन आएंगे ना उतना हमको फ़ायदा है। एक पोकेमोन से हम नहीं हरा सकते किसी को, जैसे पहले हमने एक था ना कि हम सिर्फ कम टीम बनाएंगे और अच्छी टीम बनाएंगे, इसमें वो है ही नहीं यार, ये दोबारा चला गया यार, दोबारा पकड़ते हैं इसको यार, इतना कमज़ोर पोकेमोन है यार, यहाँ पर दोबारा फाइट होगी, जल्दी से हराते हैं इसको। अब यहाँ पर फाइनली वो पोकेमोन आ चुका है, मैं ना टेंशन नहीं कर रहा, मुझे कोई पोकेमोन चाहिए यार, मैं देख रहा हूँ कौन सी पोकेमोन इसके लिए बेस्ट रहेगी, क्विक पोल यूज़ करके देखते हैं। चलो आ गया फाइनली यार, क्योंकि हम कोई भी अटैक यूज़ करते थे ना ख़त्म होता था, तो हमने सीधा पोकेमोन फेंक के इसको कैच कर लिया है, अपने आप देख सकते हो, ये तो थोड़ा पोकेमोन काम आएगा, थोड़ा इसका भी जो एक्सपीरियंस है थोड़ा अप कर लेते हैं, लेवल अप कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये ट्रेनर दिमाग खाया हुआ, हारने का नाम ही ले रहा भाई, 10-15 बार हार चुका हूँ, मानोगे नहीं आप मेरे से,
इतनी बार हार गया हूँ ना, मजाक नहीं कर रहा मैं, अब जल्दी इसको हराते हैं। फाइनली हमारा लेवल अप भी हो चुका है और मैं भी यार इसको हरा देंगे यार, जिस प्रोसा था वही हार गया, इसको देखते हैं मार यूज करके। चलो हो गया हो गया यार, हल्का हल्का सी रहेगी उसकी हेल्थ। ये क्या बदतमीजी यार है यार, ये पोस्ट करना पोकेमोन है इसका, जल्दी से यार कोई बिना कोई टेंशन करके। चलो यार फाइनली हमने इसको हरा दिया, मैं डर गया था कि टाइम पे, मेरे को आखिरी भरोसा मेरा इस पे था, क्योंकि अब इसका लास्ट पोकेमोन रह गया, अब इसको जल्दी हराते हैं। यार ये सुला दिया इसने हमको यार, हमको फोकस एनर्जी कर रहा है अब्जोर्ब। ये इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है मेरे ख्याल से, जो पहले पोकेमोन था सहित वो बड़ा ताकतवर था भाई, बहुत ताकतवर था, उसको हराने में बहुत टाइम लग गया। चलो इसको हमने फाइनली हरा दिया, आराम आराम से आगे की ओर जा रहे हैं। और सामने टीम रॉकेट के मेरे को बैलून में दिखा है मेरे को मियाओ थोड़ा, बाकी देख लेते हैं। हमारे पोकेमोन भी इतने वो नहीं है यार, चलो इसको हम ऊपर रख लेते हैं, क्योंकि हमारी अब फाइट होने वाली है टीम रॉकेट के साथ में भी। यहाँ पर देखो वही हुआ, टीम रॉक कितने यहाँ पे वही हमला कर दिया और यहाँ पर अपना डायलॉग मार रहे हैं। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट, छोड़ेंगे नहीं डे हो या नाइट। यहाँ पर इनका डायलॉग खत्म हो चुका है और यहाँ पर हमारी फाइट शुरू हो चुकी है। देखो इनके दो पोकेमोन डबल बैटल कर रहे हैं हम। यहाँ पर रेजर लीफ और बबुल यूज करता हूँ, ये दोनों पे लगता है, दोनों टैगे वाले बबुल दोनों पे लगता है और रेजर लीफ भी दोनों पे लगता है, बट डैमेज नहीं किया इतना यार। और इनके पोकेमोन बहुत ताकतवर हैं, एनिमे में इतनी ताकतवर नहीं पर गेम में बहुत पावरफुल हैं यार। मैं भाई इतने पोकेमोन में नहीं, दोबारा हमें भी हम हारेंगे और दोबारा हमारी फाइट होगी यार, मेरे को पता ही था ऐसे ही कुछ होना है, कि मेरे पोकेमोन हील नहीं थे बिल्कुल भी। यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं, देखो दोनों सामने पोकेमोन आ चुके हैं। यहाँ पर अब थोड़े खतरनाक टैग यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखो रेजलीफ यूज़ किया और ये एक पे निकल रहा है हाइपर फेंक, अच्छी खासी उसकी हेल्थ चली गई है। यहाँ पर हाइपर फेंक दोबारा यूज़ करता हूँ मैं यार, चलो वो ख़त्म यार, वो ख़त्म होने वाला है अब, दोबारा एक बारी और छोटा सा अटैक किया यार, वो पहले ही हार गया। चलो हमने यार बुक को तो हरा दिया है। यार प्लग यूज़ कर रहा, तो मैं पैक की जगह प्लग कर देता हूँ, दोनों फ्लैंक टाइप मूव हैं। फ्रो की और किसको भेजूँ मैं, अब ये सर इसका लेवलप हो गया पर फायदा नहीं उसको मूव सिखाने का। यहाँ पर देखो मैंने अपने इस पोकेमोन भेजे 4 मिलियन को, जल्दी से इसको हराते हैं। यहाँ पर इसने कुछ खतरनाक अटैक यूज किया, चलो यहाँ पर फ्रो की दौर भी आ चुका है हमारा, यहाँ पर अब ख़त्म हो जाएंगे यार, बस कॉफिंग रह चुका है लास्ट, कॉफिंग को जल्दी हराते हैं, बस ये ख़त्म है। चलो कॉफिंग को भी हमने फाइनली हरा दिया, इसके 3 पोकेमोन में हमारे सारे पोकेमोन लग गए, अब देख सकते हो कितने पावरफुल थे यार। ये गेम वैसे बहुत हार्ड है, जल्दी से हम पोकेमोन हील कराते हैं। और आगे की यार केव भी है, केव में भी जाना है। और यहाँ पर देखो यार, यहाँ वही होगा पीछे यार, वो देख रहा होता है मैजिक अप दे रहा होता है, देखो ये बंदा है, हमने पोकेमोन फायर इतने से मैजिक अप बाई की थी, पर इस बार नहीं करूँगा, क्योंकि इस बार ना मैंने अलग पोकेमोन सोचा हुआ है, जो कि मैं अपने वो टाइप पोकेमोन रखूँगा, फ्रोगी को भी हटा ही दूंगा मैं पहले बता रहा हूँ, इससे इतनी एक्सप्लेनेशन रखना। चलो अब जल्दी से केव में जाते हैं, केव एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी बहुत ही, और आज के एपिसोड में हम केव को बस केव पार करके ना वहाँ तक पहुँच जाएंगे यार, क्योंकि केव में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ पर दोस्तों नए नए पोकेमोन आ रहे हैं अलग रीजन के भी, अब जल्दी से केव को पार करते हैं। यहाँ पर जो ये केव है ना, केव का रास्ता बिल्कुल सेम है पोकेमोन फायरज की तरह, पर जो विरीजन फॉरेस्ट था उसका जो रास्ता था ना वो डिफरेंस अलग है, पता नहीं यार मैं भूल गया हूँ मुझे याद नहीं, इसमें तो पूरा सेम ही था, सीधा सीधा जाना था फिर वहाँ पर घूम के वहाँ पर आना था, बिल्कुल सेम था। और यहाँ पर अब जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर थोड़ा चैलेंजेस है मेरे को पता है, तो थोड़ा वही कर रहा हूँ यार, पोकेमोन ने मेरी हिल ली इतने यार। 1 मिनट, पोकेबॉल नीचे ऊपर ये इसको लेके जाएंगे क्या, इस पोकेबॉल में 10 बॉल मिल चुके हैं, काम आएंगी। आगे की ओर जा रहे हैं हम और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, ये पोकेमोन को खास नगर मैंने इसको कैच नहीं करूँगा, यहाँ पर हमारी फाइट हो चुकी है यार। मेरे पोकेमोन इतने हील नहीं है तो मैं आराम से ही फाइट करूँगा इनसे, किसको भेजी मारो कोई काम का नहीं है। यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं पोकेमोन हील करा के, पिछली बार हम हार गए थे यार, और यहाँ पर आगे की ओर जा रहे हैं, पोकेमोन आ गया रहे जाने नहीं दे रहा, जल्दी से इसको हराते हैं। चलो खत्म करा दिया, जाने नहीं दे रहा था। और यहाँ पर मिमी क्यों आ चुका है भाई, मेरा बन तो फेवरेट पोकेमोन यार, मेरे को कैच करना जो मर्जी हो जाए यार, ये पोकेबॉल काम तो आ जाएगी, क्योंकि हम केव के अंदर ही हैं, बाकी देख लेते हैं सिंपल पोकेबॉल। ये इसका एक तो लेवल ही बहुत कम है यार, इसको फाइट भी नहीं कर सकता मैं। ओ आ गया फाइनली, आपको पता नहीं मिमी को बहुत पावरफुल पोकेमोन है यार, भाई मेरे को लगता है मिमी को पावरफुल पोकेमोन, बाकी देख लेते हैं इसको मैं टीम में रखूंगा यार। ये चांदने की प्लान बनना है बिल्कुल, अभी मेरे को था नहीं कि मेरे को मिमी को इन्हें आसानी से मिल जाएगा, अब जल्दी से इसको दोबारा हरा, दोबारा गया पहली बार हराते हैं, पिछली बार हम हार गए थे। यहाँ पर हमारे पास अपना एगल पोकेमोन है पर, और एक मूव में ख़त्म, इसके नेक्स्ट पोकेमोन पता नहीं कौन सा आ रहा है। और हमारे मिमी क्यों तो आठ लेवल का हो गया एक बारी में ही, यहाँ पर इसको रहती डाइज का, ये जल्दी से हराते हैं इसको यार, किसको भेजूँ जल्दी, ठीक है
अच्छा डैमेज दे दिया उसने वाटर पल्स। यार गलती हो गई चल कोई ना। हाइपर फैंग, हम भी हाइपर फैंग यूज़ करें। हमारा हाइपर फैंग कैंसिल हो गया। ये क्या भाई, ये क्या भाई, बदतमीजी है। अब इसी से रहना पड़ेगा हमको, और हमने इसको फाइनली हरा दिया। यार बहुत टाइम लग गया इसको हराने में। हमारा न्यू मूव सीखा मैजिकल लीफ। क्रॉल होता रहते हैं, क्रॉल कोई काम का नहीं है। मिमी की लाइन का हो चुका है, आगे को जा रहे हैं। आगे भी हमारी फाइट है। देखो यार सामने एक्वा का मेंबर खड़ा है हमारे, इससे फाइट हो गई। जल्दी से इसको हराते हैं। हमारे पास इतने पोकेमोन नहीं है, हेल्थ भी नहीं है इतनी पोकेमोन की। मे बी हम शायद ना हरा पाए इसको। मिमी क्यू भी थोड़ा सा भरोसा नहीं, क्योंकि इस पर भी भरोसा नहीं है, क्योंकि यार इसके दोनों के लेवल बहुत कम है यार। इनको मेरे को पहले ट्रेनिंग करानी पड़ेगी। चलो इसका यूज़ करके देखते हैं। अब पहली बार थोड़ा पोशन भी यूज़ कर लेते हैं यार। मेरे को इस पर थोड़ा ना वो नहीं है, रिवाइव है पर। चलो किसको रिवाइव करूँ इसको, ठीक है यार, क्योंकि सामने थोड़ा वोल्ड टाइप पोकेमोन है, तो ग्रास टाइप पोकेमोन ठीक रहता है मेरे ख्याल से इस पर। और ये क्या है, इसकी हेल्थ तो बहुत कम, ना के बराबर ही गई है। अब गई है हेल्थ यार, असली हेल्थ अब गई। कॉपी कैट यूज़ कर रहे हैं हम इस पर। जो अटैक ये यूज़ करेगा वो ये अटैक हम यूज़ करेंगे। हम हार चुके हैं, और क्योंकि यार उसमें उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसका लेवल बहुत कम था। और ये क्या लगता है, रिवाइव गलत पोकेमोन पे कर दिया यार। चल कोई ना, पोशन यूज़ करते हम चारमेलियन पे। चारमेलियन आखिरी भरोसा तेरे पे ही है। वो हरा दे इसको, हरा दे, अब नहीं हरा पाएंगे यार। यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं, और यहाँ पर पोकेमोन आ चुके हैं बेल्जियम। ये अच्छा पोकेमोन होता है, इसको कैच कर लेते हैं यार। 10 बॉल यहीं काम आएगी मेरे ख्याल से। यार पाँच थी, पाँच नए पोकेमोन पकड़ेंगे यार। नहीं आया यार, बेस्ती होगी। हमारे पास मिमिक्यू इसके सेम लेवल का, तो हम इसका थोड़ा डैमेज कर सकते हैं। इसको स्क्रैच यूज़ करते हैं अभी। और कौन सा अटैक है? ओ अच्छा, डैमेज लगा उस पर। चलो ठीक है, स्क्रैच एक यूज़ करते हैं। एक स्क्रैच और, इसकी हेल्थ यार हेल्थ नहीं गई अब। एक स्क्रैच और लग जाएगा। हाँ चलो अब इसको कैच कर लेते हैं जल्दी से। सिंपल वॉकी बॉल नहीं आया यार। अब एक और, ये जिद्दी पक मैंने बोला यार। 10 बॉल यूज़ करते हैं, और फाइनली अब आ चुके हैं 10 बॉल से। ये बहुत खतरनाक पोकेमोन है, इसका भी थोड़ा लेवल अप करेंगे बाद में। यहाँ पर इसको जल्दी से हराते हैं। चलो यहाँ पर अपना दोबारा फाइट होगी उससे। वो आ चुका दोबारा एक वाला बंदा। इस बार पोकेमोन हिल भी कराया हूँ मैं, पिछला हमारे पोकेमोन हिल नहीं थे। अब मैं इसको बताता हूँ, रुक अब तेरा गेम बजाता हूँ मैं। चलो अच्छा डैमेज लगे इस पर। इसने पॉइजन हो सकता है इसको, ये तो ग्रास टाइप पोकेमोन था यार, पता नहीं क्या यार पॉइजन हो गया इसको। ड्रैगन रेज में ख़त्म हो जाएगा, हल्का सा रह गया यार, हल्का सा। चलो ख़त्म। इसका अगला पोकेमोन वो एक डॉग टाइप पोकेमोन है, मेरे को याद नहीं क्या नाम है उसका। डोला इस नहीं है, नहीं सिखाना मेरे को ये मूव। यहाँ पर देखो आ चुका है, जल्दी से इसको रहते हैं। ये पता नहीं कौन सा अटैक यूज़ किया इसने यार, कन्फ्यूज़ कर दिया यार। ये अपने आप चेंज हो गया ये। चलो कोई ना, फर्स्ट अटैक पता नहीं इसका लगता नहीं कभी भी यार इसको। मिमी को इसका फ़ायदा है। चलो ठीक है, जल्दी से इसको रहते हैं यार। अटैक ही नहीं लग रहा कोई, क्या हराएंगे इसको, किस्मत ही बेकार है। चलो इस पे थोड़ा भरोसा है, हरा देंगे। यार डैमेज ही नहीं किया बिल्कुल भी, ये क्या तमीज है ये। चलो फाइनली हमने इसको हरा दिया भाई। बहुत टाइम लग गया, बार बार हमारे पोकेमोन चेंज करी जा रहे। वो तो देखो मिमी को इतना ज़्यादा लेवल अप हो गया यार, शायद वो स्नेक। चलो इसको आगे सिखा देते हैं डबल टीम को, वैसे कोई काम नहीं आता। अब हम आगे की ओर जाते हैं यार, पहले जल्दी गेम सेव करते हैं। हमारे पोकेमोन बिल्कुल भी हिल नहीं है। यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर ये पोकेमोन बार बार आई जा रहा है यार। एक तो रिपल लेना मैं भूल गया, और पोकेमोन ने दुखी कर दिया मेरे को। देखो कितने सारे पोकेमोन आ रहे हैं यार। यहाँ पर यार मैगमा की भी आ चुकी है यार। चल सही पोकेमोन था, आगे हरा देंगे, हरा देंगे, ऐसा नहीं हरा देंगे इसको तो। चलो ये खत्म। अच्छा एक ही पोकेमोन था तो यार, टीम रॉकेट का मेंबर खड़ा है सामने यार। जल्दी पोशन यूज़ करते हैं यार, पोकेमोन बिल्कुल भी हिल नहीं हमारे। चलो यहाँ पर हमने पोशन यूज़ कर लिया है। यहाँ पर एक समन पोकेमोन आ गया यार। चलो जल्दी से इसको हराते हैं। क्यूबोन हरा देंगे यार सही। हाँ हम लोग लगे थे क्योंकि सामने रोक टाइप है, नॉर्मल टाइप। चलो अब हार गया। यहाँ पर अगला पोकेमोन देखते हैं, माचोप। ये थोड़ा फाइटिंग टाइप है, अच्छा डैमेज किया। ओ यार इसने बहुत खतरनाक अटैक यूज़ किया है। 4 मिलियन थोड़ा तेरे पे भरोसा है मेरे को। ओए ख़त्म। चलो यार हमारे पास नहीं रिव्याई पे ना पहुँचना, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, और सामने हमारी एक और फाइट होने वाली है। इससे मेरे को पता है हम हारेंगे अभी तो। यहाँ पर जल्दी से पोकेमोन हिल करा के अपन दोबारा जाते हैं यार। दोबारा घूम फिर के दोबारा जाना पड़ेगा यार। यहाँ पर न्यू पोकेमोन आ चुका है गीबल। ये भी अच्छा पोकेमोन होता है यार, इसको पकड़ें। बहुत सारे पोकेमोन पकड़ लिए इस केव के अंदर, ये 3-4 पोकेमोन पकड़ लिए मैंने। यहाँ पर इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, और फाइनली अब आ चुकेगा, आ चुका है। चलो हमने इसको पकड़ लिया ना गीबल को। इसकी ना ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, बहुत अच्छा है इसका एवोल्यूशन है। एक गार्चोप नाम को पता ही होगा। अब यहाँ पर हम दोबारा आ चुके हैं फाइनली, बहुत समय बाद। अब जल्दी से इसको हराते हैं।
यहाँ पर प्लग यूज़ करते हैं। अच्छा हो गया, मुझे लगे भाई फ्यूजन जब। यार ये स्टील टाइप पोकेमोन है तो मेरे को, मैं भी यार अपना फायर टाइप पोकेमोन यूज़ करना पड़ेगा। जल्दी से इस पे खतना का टैग यूज़ करते हैं, ख़त्म। अच्छा डैमेज गया इस पे, ड्रैग रेंज पे अब ख़त्म करते हैं इसको, और ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर अब इसका पोकेमोन द्वारा ग्रीमर आ चुका है। इस बार इसको भेज कर देखते हैं फ्रॉग डियर को, बबल। अच्छा डैमेज गया और पॉइजन हो गया यार। चलो जल्दी ख़त्म करते हैं इसको, ये ख़त्म हो गया। अब इसका लास्ट पोकेमोन बताने कौन सा आएगा, नाम नहीं पढ़ पाया मैं। स्नंकी इतना कौन सा पोकेमोन है। अच्छा डैमेज दे दिया यार, ख़त्म हो गया। चल कोई ना, मिमी को थोड़ा मौका देते हैं इस बार। ये तो इस पर अच्छा अटैक जा रहा है, गया नहीं अटैक, क्या लगा नहीं इस पर कुछ, पता नहीं, समझ में नहीं आया मेरे को यार। यार मेरे को ना अभी इसके अटैक थोड़ा आते नहीं, तो हम अपने इसको भेजते हैं। यहाँ पर हमने इसको फाइनली हरा दिया। और यहाँ पर देखो सामने दो फॉसिल हैं, एक फॉसिल है कबूतों का, एक ओमतोस का है। तो यहाँ पर मैं गूगल भी देखने चला गया कबूतों का फॉसिल कौन सा है, तो क्योंकि हम हमेशा ना कबूतों का फॉसिल से लेते हैं। मेरे को ओमतोस जो पोकेमोन है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, कबूतों से ही लगता है, तो मैंने यहाँ पर कबूतों का फॉसिल ले लिया। यहाँ पर अब जल्दी से आगे को जा रहे हैं। यहाँ पर पोकेमोन आ चुका है, नहीं पकड़ना मेरे को यार, दोबारा आ गया, नहीं पकड़ना भाई, लेते हो नहीं यार, ये नहीं चाहिए मेरे को। ये भी अच्छा पोकेमोन प्लेयर, मेरे को कैच नहीं करना है, मेरे को सही नहीं लगता यार। हर बंदे की लग पसंद होती है, मेरे को पोकेमोन सही लगता है, तो मैं नहीं कैच करूँगा। यहाँ पर हम फाइनली केव के बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर जल्दी गेम सेव कर लेते हैं यार, नहीं तो गेम क्रैश मार जाएगी। बीच में भी एक दो बार क्रैश मार गई थी, मैंने आपको दिखाई नहीं, वो मैंने दोबारा कैच पूछ यार, बिल्कुल ही ना। और यहाँ पर हमको एक और वो जैज क्रिस्टल मिलेगा, नॉर्मल जिम, पता नहीं नॉर्मल जिम हम पहले मिल चुके हैं, पता नहीं इस पर देखते हैं कौन सा मिलेगा। जल्दी से इनको हराते हैं, दो जो इसके रक्षक हैं, दो इसकी रक्षा कर रहे हैं। चलो एक को तो हमने हरा दिया, दूसरे को जल्दी हराते हैं। हिल पल्स, अच्छा टैग है यार हिल पल्स, किसको होता है यार, जिसके हम कराई को होते हैं, इसको हराते हैं, जिस पर हम कराई को, टेलीपोज भी हमारे काम आएगा। भाई कन्फ्यूज़ हो गया मैं यार, मैंने जिसके हम कराई कभी यूज़ नहीं किया, हमने उसको बता दिया हिल पल्स हमारे काम आएगा। अब जल्दी से इसको हराते हैं, और हमने फाइनली इसको हरा दिया। यहाँ पर हमको जज क्रिस्टल मिल गया फायर जिम, मैं इसको अपने यार उसको देता हूँ भी, क्या नाम है हमारे चार मिलियन को, जब मेगा स्टोन मिलेगा तो मेगा स्टोन दे देंगे इसको, अभी यही फायर जीएम देते हैं। यहाँ पर एक लोनन में आ चुका है, मेरे को नहीं कैच करना। और सामने देखो दो वो करें, एक मेगा पंच वाला होगा, एक मेगा किक मिला होगा, क्योंकि यार सिंपल पोकेमोन फायर में भी यही होता है यार, मेगा किक कोई नहीं सीख सकता, मेगा किक यार, मेगा पंच देखते हैं कौन कौन सीख सकता है, कोई भी नहीं सीख सकता है। बाद में आएंगे हम अपने पोकेमोन को सिखाने, अभी उनको जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो बस देखते हैं न्यू पोकेमोन कौन से हैं। मैं और नहीं चाहिए मेरे को यार भाई, अच्छा तो बताता हूँ मैं, रुक मैं कह चला, चुपचाप चले जा, चुपचाप चल जा, फाइट करेगा तुम, रुक डैमेज तो अच्छा सा दे दिया उसने यार। चलिए यार सिंड कोइल, नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ पर देखो मास्टर बॉल मिल चुकी है, क्या तुम्हें जाए, यहाँ पर पोर्टल है, हम पोर्टल के अंदर अभी नहीं जाएंगे, हम जा सकते हैं, हम नेक्स्ट एपिसोड में जाएंगे यार, अभी नहीं, हमको मास्टर बॉल मिल चुकी है यार इतनी आसानी से। चलिए हमारे पास हिल हो चुके हैं, और आज के एपिसोड में मैं इतना रखने वाला हूँ। और यहाँ पर देखो मेरे को बार वो मिल चुका है तेरे, यहाँ पर ये जो है फाइट फाइट ना यार, मैं वही कहना फाइट ना हो, यहाँ पर ये जो सिटी घूमने के लिए आया था और हमने इसको गलती छेड़ लिया। अच्छा डैमेज दे दिया हमारे पोकेमोन ने, और इसको हमने हरा दिया। इसके बाद भी साइथर है, साइथर बहुत खतरनाक पोकेमोन है यार, पहले भी इसको हराने बहुत टाइम लग गया था। चलो जल्दी से एम्बर यूज़ करते हैं, जज क्रिस्टल यूज़ कर लिया मैंने, चल ठीक है अभी इसको हरा दें। हरा दिया या ये फायर जी, मैं हमेशा यूज़ करूँगा अब तो, फायर फैंग भी सीख रहे हमारे पोकेमोन। यहाँ पर स्मोक स्क्रीन हटा देते हैं यार, कोई ना। यहाँ पर नेक्स्ट पोकेमोन इसका ये आ चुका है यार, ये बग टाइप है तो फायर फैंग में ख़त्म हो गया। चलो यार हमने इसको फाइनली हरा दिया है, मेरे को थोड़ा साइथर के थोड़ा इसकी प्रॉब्लम थी, बाकी तो ठीक था। चलो आज के एपिसोड में इतने रखने वाले हैं, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।